नारी को बिल्कुल सम्मान करें। नारी एक पत्नी है, माँ है, बहन है, और जो पुरुष होने का दंभ करते हैं ना, तो एक नारी के पेट से ही पुरुष का जन्म होता है, और नारी ही सृष्टि की रचना है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही काली है, नारी ही माँ सरस्वती है, तो नारी का सम्मान करें। और नारी हूँ, माँ हूँ, कभी बेटी कभी माँ बनकर, कभी बेटी कभी माँ बनकर, सबके सुख दुख को सहकर अपना फर्ज निभाती हूँ, तभी तो नारी कहलाती हूँ। नेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर, राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, पर कम ही लोगों को यह पता है कि भारत की राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। दरअसल इस दिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था, और सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही स्त्रियों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करने वाली प्रमुख कार्यकर्ता थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को देश की पहली महिला गवर्नर होने का भी उनको गौरव हासिल है, और 135वीं जयंती पर इनकी शुरुआत हुई थी, यानी कि नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय महिला दिवस की जो शुरुआत हुई थी 135वीं जयंती के अवसर पर शुरुआत हुई थी। और सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती 13 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 1879 को हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। शिक्षा हासिल करने के दौरान ही राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई और उन्हें सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम नेता उनके नेतृत्व क्षमता के कायल थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। सरोजिनी नायडू ने औरतों की शिक्षा दिलाने और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। और हम महिलाएँ सोचती हैं कि चलो आज नेशनल डे मना लेते हैं, आज इंटरनेशनल डे मना लेते हैं, लेकिन इन सब के मनाने के पीछे किनका बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, तो इस विषय पे लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। आधुनिक काल में पुनः नारी को गौरव प्रतिष्ठा हुई और स्वतंत्रता संग्राम में नारियों की बहुत ही भूमिका रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कह ले, वो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अपूर्व शौर्य का परिचय देकर नारी शक्ति का बोध कराया, तो सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी, पंडित कस्तूरबा, कमला नेहरू जैसी नारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। इस काल में अनेक समाज सुधारकों ने भी नारी की स्थिति को सुधारने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो क्या हम नारी आज नारी की स्थिति आज भी कितना सम्मानजनक है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी नारी को वो स्वतंत्र स्थिति नहीं है जितना होनी चाहिए। आज अकेले लड़कियां बिल्कुल निकल नहीं सकती हैं, हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल अकेले भेज नहीं सकते हैं, डर लगता है कि अगर बच्चियां को अकेले भेजे, एक जो निर्भया कांड को लेकर के, क्योंकि ये महज 2-4 साल पहले की ही घटना है, और अगर आप घर में भी रहते हैं कोल्हू के बैल की तरह दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अरे इसके पास काम ही क्या है, तो क्या नारी की स्थिति में बदलाव आया है? बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना बनाई गई, और वहीं आपको पता होनी चाहिए कि हालात पहले से ज़रूर बदले हैं। महिलाएं बहुत शिक्षित हो गई है, हर क्षेत्र में महिला पुरुष के कंधों से कंधों मिलाकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से नहीं बदल पाया है। महिलाओं की सुरक्षा अभी भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में हमें इस टॉपिक पर सोचना चाहिए, इस समस्या को निपटने के लिए मिलकर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं आज की महिला अब एक डिपेंडेंट नारी नहीं रही, अब वो काफ़ी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, हर चीज़ करने में सक्षम है, और इसके अस्तित्व और महत्व को हम लोग समझें, अपने आप से सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखें। नारी बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, कभी ये मन में फीलिंग नहीं आने दें कि नारी बिल्कुल एक भोग की वस्तु है, नारी बस काम की वस्तु है। अपने आप को उस चीज़ से उबारिए, अगर आप किसी क्षेत्र में आप काम कर रही हैं, तो पहले क्या था कि अगर पुरुष प्रधान हमारा देश था और पुरुष कमा करके लाते थे और घर में महिलाएं बच्चे को जन्म देती थी, बच्चे संभालती थी, लेकिन अब पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर के बिल्कुल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और हर एक दिन अलग अलग भूमिकाओं में जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज की स्तंभ है। हमारे आसपास महिलाएं सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिका
भूमिकाओं को बड़ी कुशलता से सभ्यता से निभा रही हैं और निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाओं में जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज के स्तंभ है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या घर में भी माँ का रोल निभा रही है, बहन का रोल निभा रही है, एक पत्नी का फर्ज निभा रही है। तो अलग अलग भिन्न भिन्न भूमिकाओं में हमारी जो है देश की महिलाएं जी रही हैं और महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है। हमारे आसपास महिलाएं सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता और सभ्यता से निभा रही हैं। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उसकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है, उसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने और असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों को खामियाजा सहना पड़ता है। सदियों से ये बंधन महिलाओं को पेशेवर और व्यक्तिगत ऊंचाइयों को प्राप्त करने में अवरुद्ध करते रहे हैं। तो हम महिलाओं को, जैसे आप सरोजनी, हमारे आदरणीय माननीय सरोजनी नायडू जी थी, तो देश 2014 की बात है, उस समय महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया, तो हम वर्तमान स्थिति में हम महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत कुछ हद तक सही नहीं है। तो क्यों ना हर क्षेत्र में हम महिलाओं इन समस्याओं को आगे लेकर के आए, हमारी बातों को बस सरकार के सामने रखे। पहले क्या था, हम लोग दादी नानी के साथ रहते थे, लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे और बच्चे जो है दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे और उन कहानियों में बहुत सारी चीज़ छुपी रहती थी। बच्चे जो है दादी नानी कहानियाँ जो सुनाते थे उसमें बहुत कहानियों में एक समझिए कि पूरी पढ़ाई रहती थी, बहुत कुछ बच्चे सीखते थे। आज हम लोग मोबाइल और टीवी की दुनिया में अपने बच्चों को भी बिल्कुल सीमित सा कर दिए हैं, लेकिन बच्चों को जैसे आप अपने छोटे छोटे बच्चों में भी शिक्षा दीजिए कि देखो तुम्हारी दादी उस समय इस तरह का काम की, तो उसमें क्या है ना कि घर में भी आप एक महिला और नारी को हम सम्मान देंगे तो बच्चे भी संस्कार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं हैं और नारी का सम्मान करें, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि नारी को बिल्कुल सम्मान करें। नारी एक पत्नी है, माँ है, बहन है और जो पुरुष होने का दंभ करते हैं ना, तो एक नारी के पेट से ही पुरुष का जन्म होता है और नारी ही सृष्टि की रचना है, नारी ही दुर्गा है, नारी ही काली है, नारी ही माँ सरस्वती है। तो नारी का सम्मान करें और इसके साथ ही मिलती हूँ फिर इससे एक अच्छे एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको दिल से धन्यवाद।